पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को होती है। ये बिल्कुल सच है कि हम सब अमीर होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी पैसे कमाने की हमें कोई टेंशन न रहे। और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये वो किताब है जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कुल चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ई है, जिसका मतलब एम्प्लॉई होता है। दूसरा क्वाड्रेंट एस है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट बी है, जिसके अंतर्गत बिजनेस ओनर्स आते हैं। और वहीं चौथा क्वाड्रेंट होता है आय, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। हम में से हर इंसान इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में जरूर आता है। हम किस क्वाड्रेंट में आते हैं ये हमारे पैसे कमाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग इंप्लॉयज हैं, इसीलिए वे सैलरी पर डिपेंड करते हैं। वहीं कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वे इसी माध्यम से पैसे कमाते हैं। इंप्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से की तरफ आते हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिनका किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे लोग क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस चर्चा में आप ये जानेंगे कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अगर आप अपने क्वाड्रेंट को बदलना चाहते हैं, यानी आप अगर ई से एस क्वाड्रेंट पर शिफ्ट होना चाहते हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस बुक समरी को जरूर सुनिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया गया है। अगर आप ई या एस वाले बाएं हिस्से में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बी या आई के रूप में क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा। बी या आई बनने के लिए आपको उस दिशा को नियंत्रित करना होगा जहां से आपका कैश फ्लो या आमदनी आ रही है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कुकू एफएम पर इस पुस्तक के बाकी भागों को जरूर सुनें। तो ये था हमारा रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लेखक द्वारा केस स्टडी से भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी बातों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।